जय माता दी सबको। माई सेल्फ अमन फ्रॉम से JMD बिल्डर्स। भाई अभी जो आपने क्लिप देखी 3 BHK 100 गज के फ्लैट की, भाई आपके लेकर आ गए हूँ इस बार बिल्कुल लग्जरी कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी एल टाइप के बिल्डिंग के अंदर। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, मतलब 3 BHK भी है, 100 गज भी है, वो भी एल टाइप कॉर्नर फ्लैट आपके लिए लेकर आ गया इस बार, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट में। अब बताता हूँ भाई, एक फ्लोर पर आपको मिलने वाले इसमें 5 फ्लैट, कॉर्नर पर रहने वाला हमारा 3 BHK, 3 आपको मिलने वाले इसमें 2 BHK फ्रंट के, और रियर साइड पे मिलने वाला इसमें 2 BHK, और ज़बरदस्त लोकेलिटी के साथ मेट्रो से हार्डली आपको मिलने वाला 400 से 500 मीटर के डिस्टेंस पे, और नियर अमेनिटीज़ एक बार बता दूँ, स्कूल कॉलेज बैंक बिल्कुल नियर बाय आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। और आउटर की मैं थोड़ी बात करूँ तो बिल्डिंग के आउटर मिलने वाले आपको दोनों साइड पे 20-20 फिट की रोड, तो भाई पार्किंग को लेके तो आपको बिल्कुल भी इसमें इशू नहीं आएगा। नीचे आपको बड़े 8 गेट्स मिल रहे हैं, तो भाई कहीं से भी अपनी गाड़ी वाड़ी डालो, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली। 80-90% इसके अंदर लोन अवेलेबल है, साथ में पक्की रजिस्ट्री आपको इसमें मिलने वाली है, और फ्लैट बिल्कुल भाई ज़बरदस्त है। नया कॉन्सेप्ट भाई शूट कर रहा हूँ, वे वीडियो में प्यार बनाए रखना, पूरी वीडियो मेरी ज़रूर देख लेना। अब दिखाते हैं आपको फ्लैट आगे। तो गाइस वेलकम आपका हमारा इस 3 BHK फ्लैट के अंदर, और सबसे पहले मैं बात करूं हमारे लिविंग एरिया की, तो सर एक बार लिविंग एरिया दिखा दो भाई, कितने बढ़िया डायमेंशंस के साथ और क्या डिज़ाइनिंग के साथ आपको फ्लैट भाई आपको मिलने वाला है। और लिविंग एरिया का काम देख रहे हो इस बार, तो मतलब JMD बिल्डर्स भाई किसी से नहीं भाई, मतलब नीचे रहता आपको भी पता है, इंटीरियर वाइज भी कह लो, वेंटिलेशन वाइज भी कह लो, प्रॉपर भाई गेटेड लोकेलिटी में आपके लिए फ्लैट लेकर आ गए हैं। अब बात करें लिविंग एरिया की, तो भाई लिविंग एरिया का काम एक बार देख लो सर, दोनों वॉल पे आपको मिलने वाला है ब्लैक मिरर का काम, साथ में भाई गोल्डन ग्लास का काम, साथ में ब्लैक ग्लास का काम, उसके आउटर में मिलने वाले आपको WPC पैनल का वर्क, मतलब देख रहे हो कितनी बढ़िया डिजाइनिंग के साथ आपको ये काम इसमें मिलने वाले हैं। एल टाइप का सोफा अपना आराम से प्लेस करो, 5 सीटर लगाना है, 7 सीटर लगाना है, आपकी मर्जी है, कुछ भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। सर सामने एक बार टीवी कैबिनेट की वॉल दिखा दो भाई, सामने एक बार टीवी कैबिनेट देख लो, और उसके आउटर्स में वॉल देख रहे हो, मतलब सेंटर में सबसे पहले बात करूँ मैं टीवी कैबिनेट की, व्हाइट और ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन में पूरी टीवी कैबिनेट आपको मिलने वाला है, उसके आउटर में मिलने वाला है वुडन का काम, चारको शीट, कॉपर ग्लास का काम, और दोनों साइड पर मिलने वाला आपको मोल्डिंग का काम, और साथ में अंदर वॉलपेपर्स का काम आपको इसके अंदर मिलने वाला है। मतलब इंटीरियर को लेके तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट में आपके लिए चीज़ लेके आया हूँ। सर एक बार फॉल सीलिंग दिखाओ, रेक्टेंगुलर शेप की फॉल सीलिंग आपको इसके अंदर मिलने वाली है, साथ में कोव लाइट का काम, एलईडी लाइट का काम, 2 फैन हमने प्लेस किए हैं, साथ में भाई शैंडलर आपको मिलने वाला है, वो भी क्रिस्टल लुक में, बढ़िया लुक में। इसी के साथ एक बार बात करूँ हमारे भाई मॉड्यूलर किचन की, तो मॉड्यूलर किचन माते बहने उससे पहले देख लो, यहाँ पे अपना डाइनिंग लगाओ आराम से, 5 सीटर लगाओ, 7 सीटर लगाओ, वो आपकी मर्जी है। फ्रिज का स्पेस प्रॉपर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और इसी के साथ बात करें हमारे किचन पार्टीशन की, ब्राउन और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में आपको प्रॉपर किचन पार्टीशन मिलने वाले, साथ में कॉपर ग्लास का काम, डेकोरेटिव आइटम हमने इसके अंदर प्लेस किए हैं, अपनी मर्जी से प्लेस करो, कोई दिक्कत है आपको इसमें नहीं आने वाली। इसी के साथ बात करो स्पेस की, तो भाई स्पेस देख लो, बढ़िया स्पेस में आपको किचन मिलने वाली है, व्हाइट ब्राउन और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में। जहाँ पे बात करूँ हमारे स्लैब की, तो ब्लैक कलर की आपको यहाँ पे स्लैब मिलने वाली है, वो भी भाई ज़बरदस्त डिजाइनिंग के साथ। यहाँ पे अपना प्लेस करो माइक्रोवेव, प्रॉपर स्पेस आपको माइक्रोवेव का यहाँ पे मिलने वाला है, और साथ में मिलने वाली आपको यहाँ पे चिमनी, वो भी भाई सेंसर वाली, एक हाथ मारोगे उन्हीं की ऑन हो जाएगी। ओवरहेड्स की बात करूँ यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी मिलने वाला है, तो मैंने इजीली मसाले वगैरह प्लेस करो, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे भी स्पेस मिलने वाला है, प्लस यहाँ पे भी स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाला आरओ का पॉइंट, आराम से अपना आरओ वगैरह प्लेस करो, बड़े से बड़ा जितने लीटर का लगाना लगा सकते हो आराम से आप। यहाँ पे आपको टैप्स के वजह मिल जाएंगे सारे के सारे जगवार, वो भी ब्रांडेड मिलने वाले हैं। नीचे आपका ड्रेनेज का पॉइंट, डस्टबिन रखने की स्पेस प्रॉपर आपको यहाँ पे स्पेस मिलने वाली है। साथ में बास्केट्स की बात करो, तो कटलरी बास्केट, आटा बास्केट, प्लेट बास्केट, सारी के सारी बास्केट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली, वो भी स्टेनलेस स्टील के काम के साथ में, वो भी जी प्रोफाइल हैंडल के साथ, सालों साल आपका भाई यहाँ पे कुछ भी ख़राब नहीं होगा, मतलब इतनी गारंटी है, बढ़िया ब्रांडेड काम की। इसी के साथ मैं लिविंग एरिया में सर स्प्लिट एसी भी दिखा दूँ एक बार, यहाँ पे स्पेशल आपको स्प्लिट एसी का पॉइंट भी यहाँ पे मिलने वाला है। अब दिखाता हूँ इसका फर्स्ट बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम दिखाने से पहले सर एक बार पैसेज आपने देखा था ध्यान से, मतलब यहाँ से मैंने एंट्री लिया और पैसेज एरिया देख रहे हो, मतलब एक कह रहा ना होटल वाली फील प्रॉपर आपको यहाँ पे मिलने वाली है। फॉल सीलिंग पे मिलने वाली आपको प्रोफाइल लाइटिंग का काम, यहाँ पे आपको प्रॉपर मोल्डिंग का काम मिलने वाला अंदर वॉलपेपर के डिजाइन, और यहाँ पे भाई हमने डेकोरेटिव आइटम प्लेस किए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें प्लेस कर सकते हो। अब एंटर करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। सबसे पहले मैं बात करूँ हमारे डायमेंशंस की, तो भाई पूरे भाई 14x12 के साइज़ में आपको ये रूम मिलने वाला है, मतलब देख रहे हो कितने बढ़िया साइज़ में मिलने वाला है। फ्रंट वॉल की बात करो, तो इधर कोल्डिंग का काम को मिलने वाला है भाई, वो भी ब्राउन कलर के शेड में, 2 अलग अलग शेड है, और दोनों साइड पे मिलने वाला आपको मोल्डिंग का काम और वॉलपेपर्स का काम, और दोनों साइड पे साइड टेबल्स, और सेंटर में मिलने वाला 6x6 का बेड, मतलब देख लो डिज़ाइनिंग कितनी बढ़िया इसमें मिलने वाली है। इस साइड में बात करो स्लाइडिंग अलमीरा आपको हमारी साइड से मिलने वाली है, कुछ भी अपना सामान वगैरह प्लेस करो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और साथ में भाई 2 चेयर्स भी हमने यहाँ पे प्लेस करी हुई हैं,
किसी का मन नहीं है ना बेड पर लेट के बैठने का, तो यहाँ आराम से बैठ के चाय वाय पियो, चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बिल्कुल होटल वाली फील आपको इसमें मिलने वाली है। विंडो एसी का प्रोविजन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, साथ में कर्टन्स वगैरह इसके अंदर प्लेस किए हुए हैं, और नीचे आपको मिलने वाला है विंडो। तो भाई वेंटिलेशन को लेके तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, 3 BHK एल टाइप का फ्लैट और हर जगह वेंटिलेशन आपको इसमें मिलने वाली है। सर एक बार अटैच वॉशरूम भी दिखा दो इसका, भाई वॉशरूम देख लो, प्रॉपर एंड टू एंड टाइलिंग के साथ में वॉशरूम आपको मिलने वाला है, साथ में बाथिंग एरिया, और भाई बिल्कुल सारी सारी चीज़ आपके बिल्कुल सेपरेट आपको मिलने वाली है। जैगुआर के सारी सैनिटरी आपको मिलने वाली है, वेंटिलेशन के लिए विंडो ऊपर है ही, और क्या चाहिए सर, इतना बढ़िया काम आपको इसमें मिलने वाला है। सर बेडरूम एक बार फॉल सीलिंग भी दिखा दो, फॉल सीलिंग का काम देख रहे हो बेडरूम में, तब इतनी ज़बरदस्त डिजाइनिंग आपको मिलने वाली है, बिल्कुल सिंपल सोवर घर और ज़बरदस्त काम के साथ। अब आपको दिखाते हैं हमारा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम दिखाने से पहले एक बार सर एक बार कॉमन वॉशरूम भी दिखा दो, कॉमन वॉशरूम का काम देख लो, एंड टू एंड टाइलिंग के साथ में स्पेस आपको मिलने वाला है, साथ में सारी की सारी एंट्री आपको जगवर की मिलने वाली है, और एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ हमने इसके अंदर प्लेस किया हुआ, तो कुछ भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब दो रूम मेरे फ्रंट में, दोनों से आपको मिलने वाला है बालकनी का एक्सेस। अब चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। अब भाई सेकंड बेडरूम में मैं एंटर कर चुका हूँ, सबसे पहले बात करूँ डायमेंशंस की, तो पूरे आपको मिलने वाले 12x12 के साइज़ में आपको ये रूम। फ्रंट वॉल की बात करूँ तो प्रॉपर आपको सेंटर मिलने वाले क्विंटिंग का काम, उसके आउटर में गोल्डन पत्ती का काम, साथ में वुडन का काम, और बीच में मिलने वाले प्रोफाइल लाइटिंग का काम। मतलब देख रहे हो मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, डिजाइनिंग इतनी बढ़िया आपको इसमें मिलने वाली है। 6x6 का बेड प्लेस किया होगा, दोनों साइड पर आपको मिलने वाला है इसमें साइड टेबल्स का काम, और इधर मिलने वाली भाई इतनी बढ़िया अलमीरा, वो भी स्लाइडिंग वाली। स्पेस देख रहे हो काफ़ी बढ़िया स्पेस के साथ में, और अलमीरा के इसके साथ आपको भाई डिज़ाइनिंग को और ज़्यादा इन्हांस करते हुए यहाँ पे मिलने वाले पार्टीशन का काम। आपको कुछ भी आपने डेकोरेट भी यहाँ पे आइटम लगाना तो आराम से इजीली प्लेस करो, अंदर प्रोफाइल लाइटिंग काम भी आपको उसमें मिलने वाला है। सर एक बार फॉल सीलिंग दिखा दो, फॉल सीलिंग का काम देख रहे हो, मतलब LED लाइट, कोव लाइट का काम, और जो आपको डिजाइनिंग मिलने वाली है मतलब मोल्डिंग का काम देख रहे हो, इसमें फॉल सीलिंग को मैंने छोड़ा इस बार तो हमने, और फैन भी हमने प्लेस किया हुआ है। अब बात करें वेंटिलेशन की, तो का ही था, आपको तीनों रूम में वेंटिलेशन मिलने वाली है, 200 बालकनी एक्सेस ही है, और एल टाइप का फ्लैट है। विंडोज आपको मिलने वाली है, यहाँ पे विंडो भी देख लो, साथ में सेफ्टी सिक्योरिटी के ग्रिल्स का वजन हमने यहाँ पे करके दिया हुआ आपको। अब चलते हैं इसकी बालकनी की तरफ, भाई बालकनी का स्पेस भी देख लो, काफ़ी बढ़िया स्पेस में आपको बालकनी मिलने वाली, वो भी एल टाइप के डिज़ाइन में। साथ में बात करूँ भाई प्रॉपर एंड टू एंड टाइलिंग से काम को यहाँ पे मिलने वाला है, वॉशिंग मशीन अपनी सेंटर में आराम से यहाँ पे प्लेस करो, जैगवार के भाई टैप्स आपको मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, ड्रेनेज के पॉइंट सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, SS की रेलिंग भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सर एक बार लोकेलिटी दिखा दो, भाई 20 फीट की रोड आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो किसी भी चीज़ को लेकर आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं मिलने वाली, प्रॉपर गेटेड लोकेलिटी में मिलने वाली है। अब चलते हैं यहीं से हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर, भाई थर्ड बेडरूम के डायमेंशन देख लो, पूरे 11x11 के साथ में आपको ये रूम मिलने वाला है। साथ में बात करूँ फ्रंट वॉल की, मतलब एक सिंपल सीढ़ी दिख रही है ना, कितने बढ़िया डिज़ाइन, प्रॉपर मोल्डिंग की डिज़ाइन आपको मिलने वाले। 6x6 का बेड अपना आराम से प्लेस करो, दोनों साइड पर भाई वॉलपेपर आपको प्रॉपर यहाँ पे मिलने वाले हैं, दोनों साइड पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो बेड भाई इजीली प्लेस करने के बाद। सर सामने एक बार दिखा दो उनको टीवी कैबिनेट, प्रॉपर व्हाइट और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में टीवी कैबिनेट हमें मिलने वाला है, बड़ी से बड़ी LED प्लेस करो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको मिलने वाला है चारकोल का काम, कॉपर ग्लास का काम, गोल्डन पत्ती का काम, तो हर चीज़ ब्रांड आपको यहाँ पे मिलने ही वाली है। सर एक बार फॉल सीलिंग भी दिखा दो, मतलब फॉल सीलिंग का काम देख रहे हो, कितने बड़े डिज़ाइन में फॉल सीलिंग मिलने वाली है, कोव लाइट का काम, LED लाइट का काम, और फैन हमें इसके अंदर प्लेस किया हुआ है। अब बात करें वेंटिलेशन पॉइंट की, तो भाई वेंटिलेशन में तो वैसे ही बहुत माहिर है। अब तीसरा रूम भी देख लो, विंडो इसके अपना आराम से प्लेस करो, सेफ्टी सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, कर्टन्स वगैरह सब कुछ हमने इसके अंदर प्लेस किए हुए हैं। तो JMD फैमिली कैसा लगा आपको हमारा ये 3 BHK 100 गज का एल टाइप कॉर्नर फ्लैट, भाई कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना, बिल्कुल अपनी खास प्यारी जनता के लिए, अपनी माता बहनों के लिए बढ़िया चीज़ इस बार आपको दिखा दी। प्राइस की टेंशन मत लेना, प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, और साथ में भाई लोकेलिटी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब आपको जो नेबरहुड रहेगा इतना क्लासिक नेबरहुड आपको मिलने वाला है इसके अंदर, लोकेलिटी भाई ज़बरदस्त मिलने वाली है, मेन रोड से हार्डली 400-500 मीटर के डिस्टेंस पे है ही प्रॉपर्टी, और साथ में ही भाई प्रॉपर गेटेड लोकेलिटी और हर चीज़ की सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो फटाफट से, नंबर मेरा ऊपर यहाँ पे कोने पे मेंशन है, तो कॉल करें ना कुछ भी डाउट हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मेरे को दो अलविदा, जय माता दी।